अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रो इन कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो ये कंगी पाम है, इसके ना बहुत सारे बेबीज़ थे जो मैंने अलग किए। मैंने इसके ना अब 8 बेबीज़ अलग किए थे, 7 पहले अलग किए, 7 सॉरी एक पहले अलग किया था और 7 उसके बाद में अलग किया था जब उसकी सक्सेस हुई थी। तो आज मैं आपको बताऊँगा, ये देखो मैंने यहाँ से किए हुए, ये देखो ये यहाँ से किया हुआ है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। तो इस तरह ना मैंने काफ़ी बेबीज़ अलग किए। देखो ये ना मदर के साथ जुड़े हुए थे, बगैर जड़ों के थे, ये आपको कटा हुआ दिख रहा होगा। तो इसको बेबीज़ के ऊपर बेबीज़ चढ़े हुए थे, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी इसको करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था नीचे को डैमेज हो। तो आपने भी ये ख्याल रखना है कि आपने ना वो जगह तलाश करनी है जहाँ पे ना वो जुड़ा हुआ है। तो आप बेबी के ऊपर कोई बेबी नहीं है तो मैं ये वाला आपको करके दिखाऊँगा। आपने ना सबसे पहले ना ये एहतियात करनी है कि जो इसकी रूट हो ना उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ऐसे आपको फील होगा कि ना इसने अपनी रूट निकाली हुई है, लेकिन मोस्टली तौर पर उन्होंने नहीं निकाली हुई थी, सिर्फ ना नियर अबाउट 2 ने निकाली हुई थी जो मैंने 7 अलग किए थे। तो जितना टाइम लगता है लगाओ, ज़्यादा जल्दी ना करो, क्योंकि आराम से करोगे तो ये देखो ना, अगर मैं इसको अलग करूँ ना तो इसकी ये डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ना बड़ी एहतियात से आपको करना पड़ेगा, बहुत ही एहतियात है ना। उसके ना सबसे पहले ना मिट्टी चारों तरफ से अलग करो, आप बाहर निकाल के भी कर सकते हो लेकिन ये मेथड अच्छा है। और ये देखो ना, अब हिला के देखो तो ये हिलने लग गया, यानी कि ये इसकी बहुत कम रूट्स हैं और ये सिर्फ मदर के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो चारों तरफ से पहले आपने मिट्टी हटानी है, नरम करनी है जितनी नरम कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई नहीं फोड़ना क्योंकि वो ऐसे सुआ नीचे बोना, क्योंकि ना अगर इसमें डैमेज हो गया ना, ये इसका बल्ब है तो इसके गलने का ख़तरा होता है। तो एहतियात से सारा काम करना है, और फिर आपने ना अपनी फिंगर की मदद लेनी है। एक मिनट में आपको नज़र दिखाए, ये देखो ऐसे हिलाना है इसे, ये देखो ये नीचे से ना जुड़ा हुआ है, ये देखो उतर गया ऐसे। अब इसके साथ ना थोड़ी सी रूट है, उस रूट को कोशिश करनी है कि साथ आ जाए, ये देखो इतना आसान वे होता है इसको वो करने का, अलग करने का। ये देखो ये यहाँ से अलग हुआ, तो ये थोड़ा सा अपनी मदर के साथ जुड़ा हुआ था, ये उसकी माँ है, और बाकी इसकी एक रूट थी जो मैंने बगैर तोड़े वो कर ली है, रिट्रीव कर लिया। अभी इससे आगे ये नहीं जा सकती, फिर भी देखते हैं कि शायद निकल आए। थोड़ी मट्टी नरम करते हैं क्योंकि रूट आ जाए तो फिर क्या ही बात, अगर ना भी आए तो फिर भी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये देखो यहाँ से हो गई ना, निकल आई है ना, अब वो दूसरी जा रही है उसके अंदर, इसके नीचे जा रही है, तो ये तोड़नी पड़ेगी, फिर भी आपने एहतियात करनी है। ये देखो ये हमारा एक बल्ब अलग हो गया और ये यहाँ से हुआ है। अब क्या करेगा ये ना, अंदर से यहाँ से एक जैली नुमा ना कोई मादा निकालेगा अजीब तरह का, जो लास्ट टाइम भी निकला था, तो उससे निकलने तक ना आपने इसको कवर नहीं करना। वो निकल जाए तो आपने इसको हटा के उस मादे को फिर ना थोड़े दिन रखना है ताकि खुश्क हो जाए, फिर जाके इस एरिया को कवर करना है। अभी निकाल देना वरना इसके गलने का खतरा हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने पहले अलग किए हुए थे। तो दोस्तों वो है ये बेबी जो मैंने अलग किए थे, देखिए अपने नए पत्ते भी निकालने लग गए हैं, ये अलग करने के बाद पत्ता निकला है, ये भी अलग करने के बाद निकला है, ये देखो ये निकल रहा है, ये पहले नहीं था, और इसका भी हल्का सा ये छोटा सा स्टार्ट हो रहा है, और इसका भी हो रहा है, सबके ना नए पत्ते निकल आए, ये देखो ये भी निकल गया इसका बड़ा, और इसका अभी तक कोई नहीं निकला। तो ये इससे ये जाहिर होता है कि ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है, इनको आई थिंक 25 दिन हो गए होंगे, ऐसे ही हुए होंगे। तो ये मैंने ना पीट मॉस में लगाए हुए हैं, ये देखो पत्ता खुल भी रहा है, इसका भी खुल रहा है, इसका आई थिंक सो एक खुल भी गया है, शायद यही होगा, ये है पड़ा, और इनके ना नाई निकल रही हैं, ये देखो ये निकल रहा है, और ये देखो ये निकल रहा है, और ये वो है जो हमने अलग किया है। अभी इसके सारे रूट्स भी हैं, तो ये अब कहीं नहीं जाता। और आपको एक और दिखाता हूँ जो ना मैंने ना सबसे पहले अलग किया था, वो छोटा सा बच्चा था, उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था, ये बहुत कांटों वाले हैं असल में, मुझे चुभेंगे, ये देखो ये है वो, ये अपना नया पत्ता निकाल रहा है, आपको कैसे दिखाऊं। तो ये बहुत छोटा सा बेबी था,
ये बहुत गंदे कांच होते हैं। तो ये छोटा सा बेबी था, इसका कोई पता नहीं निकला हुआ था कितना होगा, ये जिसके ऊपर नहीं चढ़ा हुआ बेबी छोटा सा उसके बराबर होगा, और वो भी ग्रो कर गया। इसको मैं अभी अलग नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई डालने की जगह नहीं है। तो अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बेबीज रह गए हैं बाकी। और इसमें से मैंने कितने अलग किए, 1 ये वाला, 7 ये, तो 7, 1, 8, 9 बेबीज अलग कर दिए और बाकी 6 रह गए हैं, यानी कि 15 बेबीज थे। ओहो, ओ माय गॉड। ये देखो, ये मैंने ना कल डाले हैं अपने उन स्पाइडर प्लांट्स को, उनको मैंने यहाँ लटका दी, यहाँ से उतार के ना। और ये बगैर रूट्स के थे, देखें क्या होता है। और ये जो मैंने ना वो किया था ना वहाँ पे डाला था आपके सामने, वो ये वाला आई थिंक, उसमें ये है या ये है, इन दोनों में से एक है जो यहाँ पे मैंने डाला था। इसको मैंने कल निकाल लिया क्योंकि ना इसके ट्यूबर्स बन जाते हैं, ये मेरे फाल के एरिया को ख़राब कर देंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ से निकाल के ना यहाँ डाला। आई थिंक ये बड़े वाला था, ये वाला था या ये था, इन दोनों में से एक था। उसने अपनी रूट्स निकाल ली थी। तो ये थी तरीका अलग करने का, ये बहुत हार्ड ही होते हैं, ये पेस्ट मौसम है इनको अलग करने का। तो अभी करो और डरो ना, अगर डरने की बात होती क्योंकि मेरा एक भी नहीं जला तो आपका भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत हार्ड ही बल्ब होते हैं, तो आप ट्राई करो और बहुत सारे प्लांट्स बनाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दिया करो। अल्लाह हाफ़।